हजारों कश्मीरी पंडित कई दशकों से विस्थापन का दर्द झेलते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में गुजर बसर करने को मजबूर हैं। जम्मू कश्मीर में पुनर्वास की राह देखते देखते उनके बच्चों के बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं। पिछले 35 साल से कश्मीर बलिदान दिवस पर हर साल वो अपने लिए इंसाफ की गुहार लगाते रहे हैं। त्रासदी है इस देश में, जहाँ याकूब मेनन के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खोला जाता है, और हमने जब जिनोसाइड के लिए एक बिल पेश किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये टाल दिया कि 35 साल पुराना केस है, इसको हम रीओपन नहीं कर सकते। आप बता दीजिए, हम यहाँ पर कश्मीरी जो हिंदू है 35 साल से इस लड़ाई में है कि हम अपना हक दीजिएगा, और आज तक किसी का एक भी, हजारों लोगों की हत्या की गई कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की, किसी को भी आज तक सजा नहीं मिली। विस्थापित हुए ऐसे हजारों कश्मीरी पंडित हर साल 14 सितंबर को कश्मीर बलिदान दिवस मनाने के लिए जंतर मंतर पर जुटते हैं। आतंकी हिंसा के बाद अपने घरों से बेघर हुए कश्मीरी पंडित की मांग है कि सरकार जिनोसाइड बिल को पास करे। उन्हें लगता है कि उनके साथ अब तक इंसाफ नहीं हुआ है। मानना समझना पड़ेगा, जो जातीय विध्वंस जेनोसाइड जो कश्मीरी पंडितों का हुआ है, उसके लिए किसी भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया जैसे संज्ञान लेना चाहिए। और ये हमारी किसी भी सरकार से यही अपेक्षा रहती है कि जब आपका विध्वंस होता है, जब आपके साथ क्रिमिनल एक्ट होता है, तो आप जुडिशरी के अंदर उस चीज़ को मानिए कि आपका जेनोसाइड हुआ है, और जेनोसाइड मानने के बाद उसके लिए कानून से पारित कीजिए जो उनको क्रिमिनलाइज और प्रिवेंट करते हैं। बट ऐसा कुछ भारत में हुआ नहीं है। बिल्कुल, हमारे को उम्मीद है सरकार से, और पिछले जब से मोदी सरकार आई है तो हमारे उम्मीदें और बढ़ गई है कि हम सरकार से, जो हमारे शहीदों के कातिल अभी भी वहां पर खुलेआम घूम रहे हैं, तो उनको, उनके लिए एक SIT प्रोब करें, जो हमारी हम मांग रही है। और पिछले 34 साल से हम इसी दिन को, इसी श्रद्धां ये दिवस के रूप में मनाते हैं। विस्थापन का दर्द झेलते हुए कश्मीरी पंडितों को लगता है कि उन्हें राजनीतिक तौर पर दरकिनार कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी बोलते हैं कि भाई जो लोग कश्मीर गए हैं वो तो गए हैं, और जो लोग नहीं गए हैं उनको, वो तो मज़े में हैं। तो अगर ये है तो फिर वाइट पेपर किसके लिए लाना है? इसलिए हम इस इलेक्शन में सरकार को बोल रहे हैं कि भाई हमने ये कहना शुरू किया कि भाई हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना इसका मतलब नहीं है, क्योंकि हमको निकाला जा चुका है। आपने देखा किस तरीके से कश्मीरी पंडित आज भी अपने हक की मांग कर रहे हैं, आज भी वो सोच रहे हैं कि उन्हें उनका हक वापस मिल जाएगा। अगर हम 14 सितंबर 1989 की बात करें, जब टीकालाल टपलू ने कश्मीरी पंडितों के लिए अपना बलिदान दिया था, तब से लेकर आज तक कश्मीरी पंडित उनकी याद में बलिदान दिवस मनाते हैं और अपने हक की मांग करते हैं। अब देखना ये है कि क्या ये 10 साल बाद हो रहे चुनाव में उनका हक उन्हें मिल पाएगा या नहीं। इसी के साथ जंतर मंतर दिल्ली से स्नेहा सिंह, NDTV।